हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर 1015, 1018 और TL431 को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 ट्रांजिस्टर ले लिया, 1015, 1815 और TL431। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखा हुआ है। अब चलिए ट्रांजिस्टर को जो 1015 नंबर का है उसे चेक करते हैं। यह ट्रांजिस्टर बेसिकली PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो पिन नंबर 1 है वो एमीटर होगा, पिन 2 कलेक्टर है और पिन 3 बेस है। तो इसका बेस हो गया, तो इस वजह से हम इसके बेस पर हम रखेंगे मल्टीमीटर के ब्लैक वायर को और बाकी रेड वायर से हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना रेटिंग आता है। तो हमने 10-15 नंबर के ट्रांजिस्टर को चेक कर लिया है। अब चलिए हम सेकंड नंबर के ट्रांजिस्टर यानी कि 18-15 को चेक करते हैं। ये जो हमारा 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसका पिन नंबर 1 एमीटर, पिन 2 कलेक्टर और पिन 3 बेस है। तो इसके बेस पर हम मल्टीमीटर के रेड वायर को रखेंगे और मल्टीमीटर के ब्लैक वायर से हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे और देखेंगे इसका कितना रेटिंग आ रहा है। हमने 18-15 नंबर के ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लिया है। अब चलिए हम अगले ट्रांजिस्टर को यानी कि TL431 को चेक करते हैं। तो ये जो हमारा TL431 नंबर का ट्रांजिस्टर है इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। तो इसे चेक करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि इसका पिन नंबर 1 जो है इसे रेफरेंस कहते हैं और पिन 2 को एनोड कहते हैं, पिन 3 को कैथोड। तो इसे चेक करने के लिए हमें इसके रेफरेंस यानी कि पिन नंबर 1 पे हम मल्टीमीटर का रेड वायर को रखेंगे और बाकी 2 पिन एनोड कैथोड को हम ब्लैक वायर से चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर रेटिंग कितना आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका रेटिंग मल्टीमीटर बता रहा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि ट्रांजिस्टर 1015, 1815 और TL431 को कैसे चेक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।